डियर स्टूडेंट्स, आज हम हमारी जो टेक्स्ट बुक इंग्लिश जनरल इंग्लिश क्लास ट्वेल्थ के सेक्शन बी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्शन नोटिस, जो कि 5 नंबर में आता है आपको एग्जाम में, सेक्शन बी का पहला ही क्वेश्चन रहता है ये, उस नोटिस को आज हम समझेंगे कि नोटिस का फॉर्मेट क्या होता है, वास्तव में कैसे नोटिस हम बनाते हैं, और उसके बेसिस पर एक नोटिस हम बना के भी देखेंगे। तो नोटिस एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो एडवांस में दी जाती है किसी भी फ्यूचर में होने वाली घटना के लिए, यानी कि जैसे कि मान लो एग्जाम आने वाली है तो स्टूडेंट्स को उससे पहले इंफॉर्मेशन दी जाती है, एक सूचना पटल पर एक सूचना पत्र चस्पा कर दिया जाता है, उसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं नोटिस। नोटिस मीन्स सूचना। तो नोटिस ऐसा नहीं कि केवल विद्यालयों में काम आते हैं, नोटिस जितनी भी संस्थाएं हैं सभी में नोटिस एक अनिवार्य हिस्सा होता है संस्था का। कर्मचारियों को कोई सूचना देनी है, या फिर आप अखबार में देखते हो तो आपको बहुत सारे नोटिस लिखे हुए मिलेंगे, और उस नोटिस में सबसे खास बात है कि आपको स्पष्ट तौर पर दिखा हुआ मिलेगा सूचना। तो आपने नोटिस अखबारों में भी देखे हैं, और जो उसका एक जनरल सा जो फॉर्मेट है वो ये है कि नोटिस बनाने के लिए सबसे पहले आपको उस संस्था का नाम लिखना होता है, सबसे ऊपर संस्था का नाम लिखें, उसके बाद एक लाइन छोड़कर बीच में नोटिस लिखे आप, NOTIC, सारे के सारे जो लेटर्स हैं उन्हें आप कैपिटल में लिखें, और उसी के बाईं तरफ आप डेट दे दें, और फिर एक लाइन छोड़कर आप हेडिंग दें, फिर 30 से 45 शब्दों में अपनी बात कह दें, और फिर लास्ट में हम बताते हैं डेट टाइम वेन्यू, यानी कि वो घटना किस तारीख को होगी, समय क्या रहेगा और स्थान क्या रहेगा, और नोटिस किसने निकाला है ये उसका नाम नीचे उसमें होता है, और उसका क्या डेजिग्नेशन है, क्या पद उसके पास है, उसका हम फिर उसके नीचे जिक्र करते हैं कि वो क्या है। तो ये सारी बातें आपको एक नोटिस से समझ में आ जाएगी। एक क्वेश्चन है हमारे पास, उसका नोटिस मैं आपको समझा रहा हूं, तो आपको ये जो भी मैंने अभी बताया है सारी बातें क्लियर हो जाएगी। अगर ना भी हो तो फिर एक अलग से हम फॉर्मेट के लिए एक अलग से वीडियो बना लेंगे जिसमें केवल नोटिस का फॉर्मेट समझाया जाएगा। तो क्वेश्चन है, यू आर द हेड गर्ल ऑफ योर स्कूल, कि आपके विद्यालय की हेड गर्ल हैं, ड्राफ्ट ए नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स फॉर द हाउस कैप्टन्स एंड वाइस कैप्टन्स टू अटेंड ए मीटिंग प्रेसाइडेड ओवर बाय द प्रिंसिपल टू प्रिपेयर ए प्लान फॉर द एनुअल फंक्शन। कि आपको एक नोटिस तैयार करना है, ड्राफ्ट करना है, ड्राफ्ट बना उसको तैयार करना है, और वो 50 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए, और उसमें आप हाउस कैप्टन और वाइस कैप्टन को आप मीटिंग अटेंड करने के लिए कह रहे हैं, मीटिंग जो है प्रिंसिपल के द्वारा अरेंज की जा रही है, और उसमें एनुअल फंक्शन के लिए प्लान बनाना है, इस बारे में मीटिंग है, यानी कि सभी जितने भी हाउस होते हैं जो बोर्डिंग स्कूल में जो हाउस होते हैं उनमें हर हाउस का जो कैप्टन और वाइस कैप्टन उसको उस मीटिंग में आना है, और मीटिंग किस विषय में है कि जो एनुअल फंक्शन मनाया जाएगा उसके लिए क्या प्लान है, उस बारे में मीटिंग है। तो सबसे पहले, चूंकि अब ये स्कूल का नोटिस है तो सबसे पहले स्कूल का नाम हम लिख देंगे, तो सबसे पहले अपन स्कूल का नाम लिख दिया है जवाहर नवोदय विद्यालय राजगढ़, फिर उसके नीचे एक लाइन छोड़कर के बीच में हम लिखेंगे नोटिस। नोटिस को हम एक छोटे से बॉक्स में बंद कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर बॉक्स में, और उसके सारे अक्षर हम कैपिटल लिखेंगे, और उसके बाएं तरफ हम एक डेट दे देंगे, जो भी डेट, जैसे कि इसमें अपन ने दे दिया 27 जनवरी 2019, ये आपने एक डेट दे दी, क्योंकि हम जनवरी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो एनुअल फंक्शन लगभग जनवरी फरवरी में मनाया जाता है। फिर उसके बाद अब ये किसके लिए है नोटिस, तो ये हाउस कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए, तो हमने एक आकर्षक टाइटल इसका दे दिया है, अटेंशन हाउस कैप्टन्स एंड वाइस कैप्टन्स, इसका अर्थ होता है सावधान हाउस कैप्टन एंड वाइस कैप्टन, क्योंकि वो ही इसको पढ़ेंगे, क्योंकि उन्हीं को इसमें शामिल होना इस मीटिंग में। आगे हम एक लाइन छोड़ के फिर कह रहे हैं, ऑल द हाउस कैप्टन्स एंड वाइस कैप्टन्स आर इन्फॉर्म्ड डेट ए मीटिंग इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड टू प्रिपेयर ए प्लान फॉर द एनुअल फंक्शन बाय द प्रिंसिपल
इन स्मार्ट रूम एट 4 PM ऑन 31 जनवरी 2019 कि ऑल द हाउस कैप्टन एंड वाइस कैप्टन्स, कि सभी हाउस कैप्टन और वाइस कैप्टन को इन्फॉर्म किया जाता है कि एक मीटिंग रखी जा रही है, इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड टू प्रिपेयर ए प्लान, एक प्लान तैयार करने के लिए फॉर द एनुअल फंक्शन, वार्षिक उत्सव के लिए, बाय द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के द्वारा, कहां पर, स्मार्ट रूम में, समय क्या है, 4 बजे का दोपहर का समय 4 PM और 31 जनवरी 2018 को। फिर आप एक लाइन छोड़कर लिखेंगे ऑल द हाउस कैप्टन्स एंड वाइस कैप्टन्स आर रिक्वायर्ड टू अटेंड द मीटिंग, कि सभी हाउस कैप्टन और वाइस कैप्टन को ये मीटिंग अटेंड करना अनिवार्य है, या मीटिंग अटेंड करने की जरूरत उन्हें है या उन्हें करना है। फिर आप नीचे डेट टाइम वेन्यू में फिर से वही बात कह देंगे कि डेट क्या है, 31 जनवरी को आपको मीटिंग में जाना है, टाइम क्या है, 4 PM है, वेन्यू यानी स्थान, ये मीटिंग कहाँ होगी, तो ये होगी स्मार्ट रूम में। अब ये निकाला किसने उसका, आप जैसे इसमें लिखा यू आर द हेड गर्ल, तो आपने एक नाम दे दिया किरण पाटीदार, और वो क्या है अपन ने अभी क्वेश्चन में देख लिया है कि वो हेड गर्ल है, तो आप उसके नीचे लिख देंगे हेड गर्ल। इस तरह से आपका नोटिस पूरा हो जाता है। फॉर्मेट सभी नोटिस का एक जैसा रहता है। फॉर्मेट में क्या है कि सबसे पहले संस्था का नाम होना चाहिए, उसके बाद आप एक लाइन छोड़कर नोटिस लेंगे, उसके बाई तरफ आप डेट दे दें, और फिर आप एक लाइन छोड़कर एक टाइटल दे कि किस विषय का नोटिस है, और फिर 30 से 45 शब्दों में अपनी बात कह दें, और उसके बाद डेट टाइम वेन्यू उसमें दर्शाएं, वो इसको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में आप बंद कर दें, तो आपका एक अच्छा सा नोटिस बन जाएगा। अगर इसको ज्यादा कैटची, आकर्षक करना है, इफेक्टिव करना है, तो आप ये जो मेन मेन बातें जैसे संस्था का नाम, नोटिस, टाइटल, इनको आप ब्लैक पेन से लिख दें, और बाकी जो आप बात कर रहे हैं 30 से 45 शब्दों में, इसको आप ब्लू पेन से लिखें, आपका नोटिस बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे हमारे 12th क्लास के लिए 5-6 नोटिस और हैं, सभी को एक एक करके अपन यही चैनल पर समझ लेंगे। इसी तरह मेरे चैनल को लाइक करते रहें और अपने दोस्तों को ये लिंक शेयर करिए। धन्यवाद।